نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم حاضرین گرامی پردہ نشین خواتین ملت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 پڑھی ہے۔ اللہ تبارک تعالی نے اس آیت میں فرمایا اہل ایمان سے خطاب کر کے یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، ایمان کے بعد اس کا تقاضا اور ڈیمانڈ یہی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ایمان کے بعد تمہیں جنت میں لے کر جائے گی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے بعد اعمال کی باری آتی ہے اور اعمال میں اللہ اس کے رسول کا طریقہ نہیں ہے تو وہ اعمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے صاف طریقے سے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اسی طرح سے اللہ تعالی نے سورۃ الحجرات کی ابتدائی دو آیتوں میں اطاعت رسول، اتباع سنت کے سارے مبادیات کو بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول ورسولی۔ کہا کہ ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، اللہ اس کے رسول سے تم آگے نہ بڑھو کسی بھی معاملات میں۔
जरा बराबर भी आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। फिर दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी, ईमान वालो अपनी आवाज को नबी की आवाज के सामने बुलंद ना करो, अपनी आवाज को नबी की आवाज के सामने बुलंद मत करो। और आगे अल्लाह ने फरमाया, वन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, अगर ऐसा करोगे तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। तुम समझ रहे होंगे कि मैं नेकी का काम कर रहा हूं, मैं तो सुन्नत पर अमल कर रहा हूं, मैं तो रात जाग के रोजा रख के सदका खैरात करके नगर नगर डगर डगर घूम घूम के दावत तबलीग का काम करके नजरो इस्तदलाल के जरिए तिलावत व अस्कार के जरिए और दरूद के जरिए हम बहुत नेकियां कर दिए हैं, लेकिन वन तहबत अमालकुम अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जा रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं है, एहसास और शऊर नहीं है। वही नाकामी मताए कारवां चाहता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया चाहता रहा, एहसास ही नहीं है। इस्लाम की सारी तालीमात का खुलासा और लुब्बे लुबाब मैं आपको बता देता हूं। इस्लाम ये कहता है कि इबादत तुम्हारी जिंदगी का मकसद अव्वलीन है। अल्लाह ने हमें पैदा ही किया है उसकी इबादत के लिए। अल्लाह ने सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में फरमाया, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को इसीलिए पैदा किया ताकि वो तौहीद के साथ मेरी इबादत और बंदगी करें। सिर्फ इबादत नहीं, सिर्फ इबादत तो यहूद व नसारा हुनूद व मुशरिकीन भी करते हैं, गुमराह लोग भी करते हैं। इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान वो फरमाते हैं, जहां जहां कुरान में इबादत का लफ्ज आता है, इबादत का मतलब है तौहीद के साथ इबादत। वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून इल्ला लियुवाहिदून, इब्ने अब्बास फरमाते हैं लियाबुदून का मतलब है इल्ला लियुवाहिदून, तौहीद के साथ अल्लाह की इबादत और बंदगी करो। तौहीद के बगैर इबादत तो सब करते हैं, हमारी और उनकी इबादतों में फर्क यह होना चाहिए कि हमें तौहीद के साथ अल्लाह की इबादत करना है। अगर अल्लाह की इबादत तो हम कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत तो हम कर रहे हैं, मगर इबादतों में नबी का तरीका नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? बिदात, बिदात। इबादत कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, रोजा रख रहे हो, हज कर रहे हो, जकात दे रहे हो, सदका खैरात कर रहे हो, दरूद पढ़ रहे हो, अस्कार कर रहे हो, फातिहा पढ़ रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, अल्लाह के लिए ही कर रहे हो, इखलास भी है, लेकिन तरीका नबी का नहीं है, तो उसी को इस्लाम कहता कि बिदात, यानी इबादत अल्लाह की करो, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करो तो शिर्क हो जाएगा। इबादत में नबी का तरीका अपनाओ, इबादत में नबी का तरीका है तो सुन्नत है, और अगर इबादत में नबी का तरीका नहीं है, इबादत है मगर नबी का तरीका नहीं है, उसी को कहा जाता है बिदात। हाजरीन, आइए मैं आज आपके सामने बिदात के ताल्लुक से और माह शाबान की 10 तारीख है, शाबान के 15 शाबान को जो काम यानी शबे बरात के नाम से करते हैं उसकी हकीकत क्या है, चंद बातें इंशाअल्लाह पेश करूंगा। हाजरीन, अभी आपने सुना कि अल्लाह उसके रसूल के तरीके पर हम अमल करेंगे तो ही अल्लाह के पास काबिले कबूल। हमारी जिंदगी का मकसद ही है अल्लाह की इबादत, और इबादत कैसे करना वो भी अल्लाह ने बता दिया है। इसीलिए शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्ला फरमाते हैं, अगर किसी को दो सवाल का जवाब मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो सब कुछ दीन इस्लाम के खुलासे को पा लिया है, हासिल कर लिया है। और वो क्या है? पहला सवाल, इबादत किसकी? जवाब इसका क्या आएगा? इबादत सिर्फ अल्लाह की तौहीद के साथ। हाँ, दूसरा सवाल, इबादत कैसी? इबादत किसकी और इबादत कैसी?
यानी इबादत आपको कैसे करना है, आप जैसे मन में आए कर लें। फिर नबी का, नबी को भेजने का मकसद क्या है? नबी को अल्लाह ताला ने रोल मॉडल बनाकर भेजा है, टीचर बनाकर भेजा है, मुअल्लिम बनाकर भेजा है। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन उसवा है। आइडियल और मॉडल किसी को बनाना चाहते हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया करो, इसी में तुम्हारे लिए नजात है, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है, खैर है। क्योंकि अल्लाह क्या चाहता है आपसे और हमसे, किसी और से नहीं कहता है। अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह का तरीका क्या होता है, वो अल्लाह तबारक तआला फरिश्ते के जरिए से नबी को बताता है, और नबी हमारे लिए इसीलिए रोल मॉडल है। इसलिए कलीमा भी पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। तो इबादत अल्लाह की और तरीका नबी का, तो समझ लो कि मसला हल हो गया। और जब जब हम इससे हट जाते हैं मामलात पेचीदा हो जाते हैं। हजरात, अल्लाह ने हमें पैदा किया अल्लाह की इबादत के लिए, हा? तो हमारा काम है अल्लाह की इबादत करना। और शैतान अल्लाह से क्या चैलेंज करके आया है? ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم। ऐ अल्लाह ताला, ये आदम और आदम की औलाद जिसकी वजह से मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूं, मैं इसको बख्शूंगा नहीं, इसके आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, उसके हर तरफ से आके उसको अपने मकसद वजूद, मकसद हयात यानी इबादत से गुमराह करने की कोशिश करूंगा। और उसके लिए मैं खास तौर से सुम्मल अकदन लहुम सिरातकल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तेरे सिरात मुस्तकीम पे बैठ के इनको गुमराह करूंगा। क्या कहा? सिराते मुस्तकीम पे बैठ के गुमराह करूंगा। हर जमाने में शैतान का ये मिशन रहा है कि इंसानों को उनके मकसद वजूद और हयात से दूर कर दे, इबादत से दूर करें। और उसके लिए शैतान के दो हथकंडे हैं। पहला क्या है? वो इंसान को बेदीन बनाता है। बेदीन लोग हैं, दीन से सरोकार नहीं है, बेदीन है, इबादत से कोई मतलब नहीं है। तो बेदीनी के जरिए से शैतान गुमराह करता है, मकसद वजूद से हटाता है। दूसरा, दीन के रास्ते से गुमराह करता है। वो जो आगे से पीछे से दाएं से बाएं से आऊंगा, दुनिया की चमक दमक रंगीनी आरानाइया ये सब दिखाऊंगा, दिखाकर बेदीन बनाऊंगा। और दूसरा रास्ता ये है कि सिराते मुस्तकीम पे बैठ के गुमराह करूंगा। ये सिराते मुस्तकीम क्या है? दीन का रास्ता। अहले इल्म ने लिखा है कि दीन का रास्ता यानी दीन के नाम पे तुम्हें बेदीनी की तरफ लेके जाऊंगा, तौहीद के नाम पे तुम्हें शिर्क कराऊंगा, ईमान के नाम पे कुफर करवाऊंगा, सुन्नत के नाम पे बिदात कराऊंगा, दीन के नाम पर बेदीनी के अमाल कराऊंगा, नेकी के नाम पे गुनाह करवाऊंगा। और होता क्या है? यही करता है। जो लोग बेदीन है उनको तो आराम से फांस लेता है, जिनके पास दीन का जज्बा होता है अब दीन के रास्ते से गुमराह करता है, दीन के रास्ते से गुमराह करता है कि ये काम कर ले बेटा इतना सवाब मिल जाएगा, ये काम कर ले, एक रोजा रख ले इतना सवाब है, एक रात जाग ले तो देख तुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। यही सब कुछ होता है बिदात और खुराफात में। बिदात इसीलिए अहले इल्म ने लिखा है البدعه احب الى الشيطان من المعصيه, बिदात शैतान को ज्यादा महबूब है गुनाह के मुकाबले में। क्यों जानते हैं? एक चोर चोरी कर रहा है और एक मौलवी फातिहा दिला रहा है। हां, चोर को पूछो क्या कर रहा है, अच्छा काम है? कहेगा नहीं, गलत काम है। क्यों कर रहा है? मजबूरी है, क्या है, आदत है, जो भी है छोड़ दूंगा कल के दिन। कहेगा नहीं, कहेगा। मौलवी को पूछो क्या कर रहा है, सुन्नत का काम कर रहा हूं, नेकी का काम कर रहा हूं। हां, सीना तान के कहेगा। अब बताओ शैतान को किससे खुशी होती है? शैतान को इसी मौलवी से खुशी होती है जो बिदात खुराफात अंजाम दे रहा है। हाजरीन याद रखो, शैतान हमें गुमराह इसी तरह से करता है। शैतान को बहुत खुशी होती है बिदात खुराफात से। और ये बिदात कैसे वजूद में आते पता है? या तो दीन का ओवर जज्बा,
नबी के तरीके से हट जाना। जैसे कोई काम नबी ने बताया ही नहीं, किया ही नहीं, हम और आप करें। कोई काम है लेकिन उसका वक्त वो नहीं है, या कोई काम कोई सुन्नत है लेकिन वो जगह उसके लिए नहीं है। याद रखो, वक्त जगह की वजह से भी बिदात खुराफात वजूद में आते हैं। मिसाल के तौर पर मुहर्रम का महीना आता है, ताजिया जुलूस मुहर्रम के मातम, उसका कोई सबूत नहीं है। हाँ, ये जिसका सबूत नहीं उसकी दलील है। ईद मिलाद साहबा ने नहीं मनाया, ताबीन ने नहीं मनाया, आपके घर वालों ने नहीं मनाया, आले बैत ने नहीं मनाया, कोई सबूत नहीं है बिदात। और फिर दरूद, ये तो है सुन्नत में, है ना, लेकिन वक्त क्या है, नबी ने बताया कब कब पढ़ना है। अजान खत्म होने के बाद पढ़ो, उसकी फजीलत है। अजान से पहले जोर जोर से दरूद पढ़ो, बिदात है। जुमा के रोज फजर के बाद माइक से दरूद पढ़ते रहो, बिदात है। इसका कोई सबूत नबी से नहीं है। तो देखो, चीज है मगर उसका वक्त गलत है, तो ये भी बिदात खुराफात में। जगह भी जिस जगह पे अल्लाह ने नहीं बताया, अल्लाह ने कहा कि भाई तुम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ो, वहां तो पढ़ते नहीं है, खाने पे पढ़ो नहीं कहा है। अब खाने पे सूरह फातिहा पढ़ रहे हो, ये बिदात है। याद रखिए, ऐसे ही शैतान इंसान को गुमराह करता है, और हम हैं कि फंसे चले जाते चले जाते हैं। हाजिर निगरामी, इसीलिए याद रखो, कौमों के गुमराह होने की जो तारीख है इसी से जुड़ी हुई है, इसी से जुड़ी हुई है कि कौमें गुमराह हुई हैं। इसी से आप देखो, यहूदियत को देखो, नसरानियत को देखो, ईसा अलैहि सलाम ने जो दीन लाया था, दीन खालिस था, तौहीद का दीन था, लेकिन आज ईसाइयत का क्या हाल है? बिदात खुराफात क्या मचगा है? नेकी का जज्बा है, सब कुछ है, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? नबी ने जो तरीका लाया था, नबी के जाने के बाद वो तरीका गुम हो गया, खो गया, खत्म हो गया। ये उम्मत खुराफात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई, हकीकत रिवायत में खो गई है। हकीकत कुछ और थी, लोगों के कस्टम तरीका रिवायत कुछ और हो गई है। नबियों का जो तरीका था यहूद ने बदल दिया, ईसाइयों का जो तरीका था उन्होंने बाद में बदल दिया है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में, चाहे जुमा का खुतबा हो, ईदाइन का खुतबा हो, निकाह का खुतबा हो, वाज नसीहत की महफिल हो, ये पढ़कर सुनाया करते, याद दिलाते, तारीख को आप दोहराया करते थे, कहते थे देखो, फइन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदअह व कुल्ला बिदअतिन दलाला व कुल्ला दलालतिन फिन्नार। और ये कहते थे कि देखो, फइन्ना खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के तरीके से हटके जाओगे, इससे पहले जो गुमराह हुए वो भी तुम भी गुमराह हो जाओगे। हर बिदात और खुराफात का अंजाम जहन्नम है, क्योंकि बिदाती की कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता है। और इसी को अल्लाह तबरक ताला ने सूरह कहफ में बयान किया। हर जुमा सूरह कहफ पढ़ते हैं ना, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अमाला, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं उन लोगों के बारे में जो अमाल के एतबार से बड़े खसारे में है, नुकसान में है, अमाल कर रहे हैं मगर अमाल करके भी नुकसान में है, खसारे में, घाटे में है, और वो अमाल करते हुए समझ रहे हैं, वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनअ, वो अच्छा काम कर रहे हैं ये तसव्वुर कर रहे हैं, जबकि वो नुकसान उठा रहे हैं, अमाल करके भी घाटे में है। हर जुमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे आमतौर से, दूसरी रकात में सूरह गाशिया की इब्तिदाई आयतों में क्या है, आमिलतुन नासिबा, आमिलतुन नासिबा, कल कयामत के मैदान में कितने लोग ऐसे होंगे, आमिला है वो, अमल करने वाले हैं, अमल तो बहुत किए हैं लेकिन अमल करके नुकसान उठाने वाले हैं, नुकसान उठाएंगे, घाटे में रहेंगे। क्यों भाई, अमल करके नुकसान उठाने वाले कौन है? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक ईसाई की इबादत गाह से गुजरे। देखिए कि एक ईसाई आलिम हो, ईसाई इबादत गुजार हो, इतनी इबादत कर रहा है, अपने आप को थका रहा है, मेहनत कर रहा है। हजरत उमर ने फौरन आयत पढ़ी है, आमिलत नासिबा, अल्लाह अकबर, अमल करके कितना थका रहा है अपने आप को,
रातों रात जाग रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, घर बार को छोड़ दिए हैं, कितने सारे काम कर रहे हैं, ये सुन्नत भाई, वो सुन्नत भाई, ये करो वो करो, ये वो, लेकिन कुछ नहीं है, आखिरकार जीरो है। यही से लोगों के बारे में कहा, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا دنیاوی زندگی میں ان کے اعمال ان کی محنتیں اکارت چلی گئی برباد ہو گئی ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں حاضرین عبادات میں اگر ہم طریقہ نبی کا چھوڑ دیں تو عبادات بدعات میں تحویل ہو جاتے ہیں بدعات میں تحویل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتے ہیں منہج سلف کیا ہے یاد رکھیں حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے ایک آدمی فجر کی فرض نماز کے بعد اٹھ کے دو رکعت نفل پڑھ رہا تھا تو حسن بصری نے روکا کہ بھائی اس وقت نماز مت پڑھو اس نے پلٹا کے جواب دیا هل يعذبني الله على الصلاة کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا حسن بصری نے کہا نہیں نماز پڑھنے پر اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا اللہ تمہیں عذاب دے گا نبی کی مخالفت کرنے پر کیونکہ نبی نے فرمایا فرض نماز فجر کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا تم نبی کی مخالفت کر رہے ہو نبی کی مخالفت کی وجہ سے تمہیں عذاب دے گا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نور آیت نمبر 63 اٹھاؤ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں اللہ ان کو فتنے میں مبتلا کر دے گا یا دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا نبی کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب دے گا میں نے بارہا کہا ابن عمر جو نبی کی سنتوں پر ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمل کرتے تھے ایک آدمی نے چھینکا چھینکنے کے بعد کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کیا غلط کہا انہوں نے ابن عمر نے بلایا بلانے کے بعد کہا نبی نے ہمیں چھینکنے کے بعد صرف الحمدللہ سکھایا تم نے یہاں درود کیوں ایڈ کیا ہے لوگ کہتے ہیں درود ہی تو پڑھ رہے بھائی غلط کیا ہے نئی نویلی کے دلہن کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر درود پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے ثبوت کیا ملتا ہے اللہم انی اسألوک خیرہا و خیرہ ما جبلتہا علیہ و اعوذ بکا من شرری و شرری ما جبلتہا علیہ یاد رکھو جہاں بدعت آتی ہے نا سنت مٹ جاتی ہے سنت اڑ جاتی ہے سنت تمہیں یاد نہیں ہے بدعت کو پکڑ لیے ہیں ابن مسعود فرماتے ہیں یہ صحابہ کا طریقہ دیکھو منہج صحابہ اپناؤ ایک زمانہ آئے گا لوگ بڑی بڑی سنتیں چھوڑ دیں گے بڑے بڑے گناہ کریں گے کچھ نہیں سمجھیں گے ایک بدعت چھوٹ جائے ہنگامہ مچ جائے گا وہ بلا کھڑا کر دیں گے ہنگامہ کر دیں گے ارے بھائی تم نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا ہے آج جو زمانہ ہے کہ نہیں ہے ایک بدعت چھوڑ دو ہنگامہ مچ جائے گا ہزاروں سنتیں مس مس ہو جائے کوئی معاملہ نہیں ہے حاضرین لوگ کہتے ہیں نماز تو پڑھ رہے ہیں غلط کیا ہے روزہ رکھ رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں اذکار کر رہے ہیں فاتحہ پڑھ رہے ہیں قرآن خوانی کر رہے ہیں غلط کیا ہے نا غلط کیا ہے نبی کو پوچھو اور یہ صحابہ کے واقعات تابعین کے واقعات سلف کے واقعات میں نے جو بتایا ان لوگوں سے پوچھو آئیے نبی کا اور صحابہ کے طریقہ لے لیں صحیح مسلم کی حدیث ہے تین صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں تشریف لائے لا کر کہا کہ اللہ کے رسول کی عبادتوں کا طریقہ کیا ہوتا تھا اما عائشہ نے بتایا ہے اس کے بعد ان لوگوں نے سوچا اینا نحن من رسول اللہ نبی کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے وہ نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں وہ اتنی عبادت و بندگی کرتے ہیں ہمیں اور زیادہ کرنا چاہیے یہ شیطانی وسوسہ ہے لا تقدم بین یدی اللہ رسولی ہاں شیطانی وسوسہ ہے یہ اللہ کے رسول کو پتا چلا ان لوگوں نے کیا ارادہ کیا تھا اب سوال کرنا ان سے کیا ارادہ کی ایک نے کہا ساری رات نماز پڑھوں گا کبھی نہیں سوؤں گا دوسرے نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی نہیں روزہ چھوڑوں گا تیسرے نے کہا اللہ کے لیے زندگی وقف ہے شادی ہی نہیں کروں گا غلط کام کیا کیے تھے بھائی غلط کام ارادہ کیے پھر نبی نے کیوں ان کو روکا ہے آؤ آگے نبی نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا تو اس کے بعد نبی نے سارے لوگوں کو جمع کیا ہے یہ منہج سلف دیکھو غلطی چند لوگوں سے ہو رہی ہے منہج غلطی ہے ساروں کے سامنے نبی رکھا کرتے تھے سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے کہا کہ لوگوں تم میں سے بعض نے ایسے ایسے ارادہ کیا ہے
ये हमारी जिम्मेदारी है कि बाद से कोई गलती देखो तो खुदबे में दुरुस में बोलना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। ये नबी का तरीका है, ये मनहज सलफ है। गरचे आपको बुरा लगे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमें अल्लाह को राजी करना है। हाजरीन गिरामी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो तुमने ऐसे ऐसे इरादा किया। फमन रगिबान सुन्नती फलैस मिन्नी, निकाह में हम सुनते हैं ये तो टुकड़ा, पूरी हदीस ऐसी है, फमन रगिबान सुन्नती फलैस मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से हट के नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, दात तबलीग का काम करेगा, फलैस मिन्नी, वो हम में से नहीं है। नबी ने क्यों कहा भाई, रोजे का ही इरादा किए थे, नमाज का ही इरादा किए थे, गलत क्या है? नबी को पूछो काहे नबी ने रोका उनको। ये मनहज है, याद रखो मेरे भाइयों, ये सादा का तरीका है। आप अपने दिमाग से नहीं, फिर शरीयत का क्या मतलब हुआ कि अल्लाह ने क्यों नबी को भेजा है? हर आदमी अपने अपने तय कुरान हदीस को समझे और अपने अपने तय जो है उसकी तफसीर करने लग जाए। हाजरीन, यही गलती होती है। आइए इस बुनियादी मकसद, बुनियादी तमहीद के बाद बिदात खुराफात के ताल्लुक से, शबे बरात के ताल्लुक से हम बात करते हैं। हाजरीन, 15 शाबान को हम लोग सुनते हैं कि भाई ये शबे बरात है। शाबान की 15 तारीख है ना, निस्फ शाबान। सबसे पहली बात, इस लफ्ज का जायजा लेते हैं कि शबे बरात क्या है भाई, ये लफ्ज क्या है? कुरान और हदीस और शरीयत कौन सी जबान में नाजिल हुई? अरबी में। अरबी हर मुसलमान को सीखना चाहिए, याद रखो, अरबी हर मुसलमान को सीखना चाहिए। शेख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं, जिसको अरबी आती है उसको अरबी में ही बात करना चाहिए, दूसरी जबान पे नहीं करना चाहिए। अरबी शरीयत में है। जब अरबी, एक अरब के बहुत बड़े आलिम ने कहा, बहुत बेहतरीन पते की बात सुन लो और अरबी सीखने की कोशिश करो, कहा कि जब इंडिया में बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट यहां पर अरबी में दर्स तदरीस का काम होता था, तो यहां पर बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, फुकाहा पैदा हुए। अरब के लोग सनद लेने के लिए यहां आते थे, मियां नजीर हुसैन दहलवी, मियां अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, और इसी तरह से हुज्जतुल इस्लाम, जो जिन्होंने शाहवलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी असरारे शरीयत पर किताब लिखी है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं ये, इनके पास आते थे, जिनको मियां नजीर हुसैन दहलवी, इनको मुहद्दिस को तो शेखुल अरब अजम कहा जाता है, शेख फिल कुल कहा जाता है इनको। हां, ये लोग अरबी में दर्स देते थे, वहां से आते थे। का उसके बाद जब अरबी को लोग छोड़ दिए और लोकल जबानों के पीछे पड़ गए, तर्जुमा का तरीका आ गए, यहां पर बिदाती खुराफी पैदा होने लगे, तफसीर में तावील करने वाले बन गए, हदीस का इनकार करने वाले बन गए। यह हकीकत है मेरे भाइयों, क्योंकि तर्जुमा करने वाला जो आपको समझा रहा आप वो समझ रहे हैं, अरबी जो पढ़ता वो डायरेक्ट समझता है। इसीलिए आले इल्म ने लिखा है, जिसको डायरेक्ट अरबी नहीं आती उसको शरीयत में बोलने का हक नहीं है, क्योंकि आपने तर्जुमे से समझा है, तर्जुमा वाले ने जो आपको समझाया है वो आप समझ रहे हो। इसीलिए शरीयत की रूहानियत को समझना है आपको, अरबी समझना है। तो शरीयत अरबी जबान पर नाजिल हुई है ना, शब अरबी जबान में है नहीं ना, ये लफ्ज अरबी जबान का नहीं है, फारसी का है। और फारसी कहां की जबान है? ईरान की जबान है। नाम से ही तुम पकड़े गए हो कि तुमने कहां से जन्म लिया है ना, तुमने कहां से जन्म लिया है, नाम से ही तुम पकड़े गए हो। याद रखो मेरे भाइयों, ये इस उम्मत का शेवा है, इस उम्मत की इम्तियाजी शान है कि अगली उम्मतें गुमराह हो चुकी हैं, लेकिन इस उम्मत में रखना अंदाजी की कितनी कोशिश कर ले, हदीसे रसूल में झूठ बोलने कितनी कोशिश कर ले, अल्लाह 100 साल में उलामा को भेजेगा, एक मुहद्दिस मुजद्दिद आएगा, दूध का दूध पानी का पानी करके बताएगा, तुम्हारे जो रखना अंदाजियों पर ये लोग गिरफ्त करेंगे, तुम्हारी चोरी और डकैती को एक लोग पकड़ेंगे, और कितनी सफाई से तुम सुन्नत रसूल में झूठ बोलो, खुद बिदात तो खुराफात अंजाम दो, ये उलामा पकड़ लेंगे और बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखो मेरे भाइयों, ये इस उम्मत की अलामत है कि एक जमात, एक गिरोह कयामत की सुबह तक हक पर रहेगा इंशाल्लाह। हाजरीन, तो नाम से पता चला कि ये किसी फारसी जबान की बिदात है, है ना। शब के माने रात, शबे कदर बोलते हैं ना, कदर की रात, तो शब के माने रात। बरात के माने क्या है भाई? बरात अगर फारसी में लेंगे तो अलग अलग माने हैं। तकदीर को भी बरात कहते हैं, तकदीर को बरात कहते हैं, यानी तकदीर लिखी जाने वाली रात। और अगर अरबी के माने में लेंगे, बरात के माने बेजारगी,
परात के माने बेजारगी, बोलते मैं बरी हूं भाई, मैं तुम्हारे इस काम से बरी हूं। अल्लाह ने सूरह तौबा में पहले ये लफ्ज कहा बरात मिन अल्लाह, बरात मिन अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से बरात का ऐलान, बेजारगी। क्या मतलब है बेजारगी की रात है? उस रात में बेजार होकर सो जाना कि बेजार होकर जागना कि बेजार होकर बैठना, क्या करना भाई? क्यों भाई ये बेजारगी की रात है? शबे बरात, बेजारगी, किससे बरात का इजहार करना भाई? बाज अहले इल्म ने ये लिखा है अल्लाह आलम कि अहले तशय्यो ने, अहले सुन्नत ने उस रात बरात का इजहार किया। अहले तशय्यो ने अहले सुन्नत से बरात का, बेजारगी का ऐलान किया उस रात, और उस रात ने वो जश्न मनाना शुरू किए, और हम भी सुन्नत के नाम पे सुन्नी होकर भी वो काम कर रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, ये दूसरों की रेशा दानाइया हमें समझ में बात नहीं आ रही है। और अगर बरात की बात करें तकदीर के माने में ले ले, तकदीर तो कब लिखी जाती है भाई? इंसान की सारी तकदीर पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने लिख दिया। एक साल का फैसला कब होता है? शबे कदर, कदर तकदीर है ना, कदर की रात होती है, कदर की रात ये फैसला होता है। लेकिन मौलवी सूरह दुखान की आयत पढ़ पढ़ के आपको ये बावर कराने की कोशिश करता है कि भाई नहीं, ये जो है फीहा इफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, सूरह दुखान की आयत नंबर 3, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने लैला मुबारका में नाजिल किया कुरान को। कुरान को अल्लाह ने कौन सी रात में नाजिल किया? सब जानते, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन पता नहीं मौलवी को क्या हो गया यहां कि उसके दिमाग मारी जाती है, उसकी अकल ठिकाने पर नहीं रहती है। वो कहता कि 15 शाबान को अल्लाह ताला तुम्हारी तकदीर लिखता है, एक साल का फैसला होता है, इतनी रकात नमाजें पढ़ो, ये होगा वो होगा, इतना फायदा उतना फायदा। अब इंसान बगल में दबाता है जाए नमाज, एक उसके बाद टोपी लगा लेता है, और शबे बरात 15 शाबान की रात को दुकान जल्दी बंद किया गया, जाके साल भर की कजा करता है, उम्र कजा करता है, करता कि नहीं करता है, साल भर की कजा, उम्र भर की कजा, उसके बाद ने पता नहीं क्या किया। ये सब कजा नहीं, तुम्हारी सजा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी सजा मिलेगी। मैंने शुरू में कह दिया, याद रखो ये सजा है आमिलतुन नासिबा। शबे बरात के ताल्लुक से कुछ नहीं शरीयत में, 15 शाबान के ताल्लुक से शरीयत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस रात में मगफरत होती है, फला होता है, ये है वो है, और इतने सारे लोगों की तरह माफ की जाती है। याद रखो 15 शाबान के ताल्लुक से 50 रिवायतें हैं, सब के सब 100% ज़ईफ है। अब लोग कहते हैं जब इतनी रिवायतें हैं सब मिलकर सही हो जाती है, गलत उसूल है। कौन से मुहद्दिस ने कहा, कौन से मुहद्दिस ने कहा कि सब मिलकर सही हो जाती है? सब मिलकर सही नहीं होती है, सब मिलकर सही नहीं होती है। याद रखो बीमार 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 सब बीमार मिलकर एक तंदुरुस्त बनता है क्या? सब बीमार मिलकर बीमार का अड्डा बनेगा। याद रखो, याद रखो, ज़ईफ 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 मिलकर और बड़ा ज़ईफ बनेगा, कहां से सही हदीस बन जाएगी? हाँ हदीस अगर एक भी हो सही भी हो वो काबिले अमल है, लेकिन ज़ईफ हदीस याद रखो उस पर चाहे वह हजारों की तादाद में हो वो हदीस ही नहीं, उस पर अमल नहीं होगा। और इस मामले में 15 शाबान के मामले में सलफी अहले हदीसों के अलावा सारे के सारे एक हमाम में नंगे हैं, याद रखो सारे के सारे इसमें मुबतला है। सब बड़े बड़े फजीलतें बयान करते हैं, याद रखो कुछ भी नहीं है, सब के सब ज़ईफ है, इस रात की कोई फजीलत नहीं है। हाँ एक रिवायत इस रात के ताल्लुक से, इसकी फजीलत के ताल्लुक से आती है कि अल्लाह तबरक ताला इस रात को झांकता है, दुनिया में देखता है, और बहुत सारों को माफ कर देता है, बहुत सारों को माफ कर देता है, दो आदमी को माफ नहीं करता है, एक मुशरिक एक मुशाहिन। दिल में जो कीना कपट किसी मुसलमान के ताल्लुक से रखता है उसको माफ नहीं करता है, और मुशरिक को माफ नहीं करता है, सारों को माफ कर देता है। याद रखो मेरे भाइयों, ये हदीस जो 15 शाबान के ताल्लुक से है वो ज़ईफ है, 15 शाबान के ताल्लुक से जो है वो ज़ईफ है, और हर रात के ताल्लुक से सही है, हर रात के ताल्लुक से सही। बुखारी की हदीस है, अल्लाह तबरक तआला हर रात करीबी आसमान पे उतर के आता है, करीबी आसमान पे उतर के आने के बाद कहता है हाय कोई मगफरत तलब करने वाला, मैं माफ करने वाला हूं, सबको अल्लाह माफ करता है,
और तिर्मिजी के रिवायत के मुताबिक हर जुमेरात को भी यह होता है, हर पीर को भी यह होता है, पीर और जुमेरात को यह होता है कि अल्लाह ताला कहता है सबको माफ करता है, मुशरिक और मुशाहिन को माफ नहीं करता है। चलो 15 शाबान की रिवायत को भी हमने सही मान लिया या हसन मान लिया, बाज लोगों के बाद मुहद्दिस के कहने के मुताबिक अगर मान भी लिया उसका मतलब यह है कि सिर्फ इस रात की फजीलत नहीं है बल्कि जो तौहीद परस्त उसकी फजीलत है। मुशरिक की कबाहत है, मजम्मत है, मुशरिक और बिदाती और खुराफी रातों में उठ के इबादत कर ले अल्लाह माफ करने वाला नहीं है, और तौहीद परस्त सो भी गया तो भी अल्लाह ताला उसको इस रात में माफ करेगा, और जो सुन्नत के मुताबिक है अल्लाह उसको माफ करेगा। जिसका दिल साफ है, पाक है, सीना बेकीना हो, वो सीना नहीं अच्छा जिसमें हो कीना, याद रखो अल्लाह ऐसे को माफ कर देता है। हाजरी निगरामी, और इस रात के ताल्लुक से वो जो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी कब्रस्तान गए, बकी में जाके ये किए वो दुआ किए, सबको ये किए, सब याद रखिए ये 15 शाबान वाली रिवायत की बात नहीं है, उसमें 15 शाबान की नहीं, सही मुस्लिम की हदीस है ये। आप बकी गए आपकी वफात से एक महीना चंद अय्याम पहले। वफात कब हुई? वफात कब हुई? 12 रबीउल अव्वल को। रबीउल अव्वल से पहले कौन सा महीना है? सफर, सफर का महीना है। सफर से पहले मुहर्रम, मुहर्रम से पहले जुलहिज्जा, उससे पहले जुलकादा। अरे भाई शाबान तो आ ही नहीं रहा है, शाबान तो आ ही नहीं रहा है, नबी की वफात से चंद अय्याम पहले की बात है। चलो एक महीना, दो महीना, तीन महीना मान ले, शाबान तो बहुत पीछे है। सही मुस्लिम की हदीस को आके यहां ठोसते हैं, गलत इस्तदलाल। जितने बिदाती और खुराफी होते या तो दलील नहीं होती उनके पास, या सही दलीलों को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, या ज़ईब बातें बताते हैं। खुलासा कलाम यह हुआ कि 15 शाबान के ताल्लुक से कोई रिवायत सही सनद के साथ साबित नहीं है, और जो सही रिवायतें पेश करते हैं वो 15 शाबान के लिए खास नहीं है, और ये मगफरत वाली बात है, हर पीर और जुमेरात वाली भी है, और हर रात की बात है। तो क्या हर रात जागोगे और हर रात जाके दूसरे दिन रोजा रखोगे? ये तो हर रात के बारे में है। चलो पीर और जुमेरात के ताल्लुक से तो है ही, तो क्या हर पीर जुमेरात को रात जागना है, चरागा करना, जश्न मिलाद मन जश्न जश्न मनाना है, शबे बरात मनाना है? भाई नहीं, याद रखो पहली बात तो ये बरात की रात नहीं, तकदीर लिखने की रात नहीं है, और कुछ नहीं है। इसीलिए इब्न रजब ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि सहाबी ज़ैद बिन असलम के हवाले से कि मैंने 500 सहाबा इकराम को पाया, कोई भी इस रात की तरफ इल्तिफात नहीं करते थे। ये सहाबा के ताल्लुक से ताबी कह रहे हैं, सहाबा ताबी ये नबी के, मैंने आपको तरीका बता दिया, अब आप पर है आप क्या करोगे। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको इन कई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इला आलमीन तो हमें बिदात खुराफात से महफूज रख, और इबादत नबी के तरीके पर तौहीद के साथ अल्लाह के लिए अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हम लोग उन लोगों में से ना बना जो इबादत करके आमाल करके भी थके हुए और नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह सारे मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू दीनो ईमान अहलो आयाल की हिफाजत फरमा। सारे मुसलमान जो जहाँ जैसे हैं सबकी परेशानियों से अल्लाह ताला नजात अता फरमा। बे औलाद को औलाद का सहारा दे दे, साहिब औलाद के औलाद को नेक और साले बना दे, बेरोजगारों को रोजी रोसी नसीब फरमा दे, बरसरे रोजगार लोगों की रोजगारी में बरकत अता फरमा दे, के लिए परेशान हालों को रिश्ता महम खैर का जोड़ा नसीब फरमा दे, टूटते हुए रिश्ते को अल्लाह ताला तू बहाल फरमा दे। अल्लाह मुसलमान जो जहां जैसे बेघर हैं उनको अपने घर वापस कर दे, बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा दे, जो जेरे इलाज उनके इलाज को कामयाब बना दे। अल्लाह जो वफात पा चुके हैं उनकी बाल बाल मगफरत फरमा के जन्नतुल फिरदाउस के आला इल्लीगिर में जगह इनायत फरमा। पसमंदागान को सबर दे, अजर दे, नेमुल बदल अता फरमा दे। इला आलमीन दुनिया में जब तक रखना ईमान अमान के साथ रखना, खातिमा बिल खैर फरमाना, कब्र के सवालात में साबित कदमी अता फरमाना, हौज़े कौसर से रोज़े माशर नबी के हाथ से दस्ते मुबारक से पीना नसीब फरमा, नबी की शफात और रफाकत नसीब फरमा के जन्नतुल फिरदाउस के आला इल्लीगिन में जगह इनायत फरमाना। आमीन। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।